जोशीमठ मामले को लेकर धामी सरकार पूरे एक्शन में आ चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में मौजूद और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और लोगों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। इससे पहले सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था तो वहीं प्रभावितों से मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री ने। सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना। जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अफसरों के साथ बैठक की। इससे पहले आज उन्होंने नरसिंह मंदिर में दर्शन पूजन किया और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कल ही यहाँ पर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में रात्रि उन्होंने वहीं गुजारी, लोगों के बीच वो पहुंचे, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश की और उनको उचित मुआवजा दिलाने की बात भी उनकी ओर से की गई, जिसके बाद आज प्रशासन का बुलडोजर वहां पर चल गया है उन मकानों में जो जमींदोज होंगे। तो जोशीमठ में घरों में दरार आने की खबर मिलने के फौरन बाद ही धामी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, जहां पर एक तरफ लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है तो वहीं खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हालात से निपटने की रणनीति पर अधिकारियों से चर्चा की, इसके अलावा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात। ये जोशीमठ है, हमेशा मुस्कुराने वाला जोशीमठ, गुलजार रहने वाला जोशीमठ, लेकिन अचानक यहां सब कुछ बदल गया था। मकान में दरार, दुकान में दरार, होटल में दरार, सड़क पर दरार, जोशीमठ को दरार वाली दहशत ने ऐसा घेर लिया था कि लोग अपने अपने घरों को खाली कर रहे हैं तो वही उत्तराखंड की धामी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। जोशीमठ में जगह जगह दरार, एक्शन में आई धामी सरकार। बढ़ती हुई दरारों के बीच लोगों को सरकार से उम्मीद थी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए। जैसे ही अपने सामने लोगों ने मुख्यमंत्री को देखा वो भावुक हो गए, अपना दर्द बताने लगे। ऐसे हम नहीं रह सकते। इससे पहले ही धामी सरकार ने प्रभावित लोगों के ठहरने से लेकर हर तरह की व्यवस्था कर दी थी, जिसे ठंड के इस मौसम में अचानक से आई इस परेशानी की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो कई राहत शिविर बनाए गए। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले उन घरों का जायजा लिया जो इस वक्त दरारों की मार झेल रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी न सिर्फ वहां मौजूद अधिकारियों से बल्कि लोगों से भी मिले, वहां के हालात की जानकारी ली और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम योगी प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात करने पहुंचे।